अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज रिवीजन सीरीज में हम इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स विद रिस्पेक्ट टू ड्रग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज इस चैप्टर को हमने कंप्लीट करना है, तो मेरे ख्याल में मॉर्निंग के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है जो आज के प्रेजेंटर हैं। फजर नवाब, मारिया, अरूज हनीफ, अमीर हमज़ा और शायान अंजुम, नहीं सॉरी, इवनिंग के स्टूडेंट्स ने आई थिंक ज्वाइन किया पहले। जी तो इवनिंग से स्टार्ट करें फिर। आपके साथ स्क्रीन शेयर कर जी बेटे, स्क्रीन शेयर हो गई है तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अपना पहले इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा कि कौन है और ओके सर। चलिए गुड़िया गुड्डी गुड्डी रानी है इसे मैं स्टार्ट करूं सर? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रुखसार नादिर हियर एंड वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक इंस्पेक्शन ऑफ वॉल्स विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज। सो Dispensing is an important part of practice of pharmacy in which the dispenser interprets the physician's requirement. अब हम सबको पता है कि dispensing में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास patient एक prescription लेकर आता है और उसके बाद उस prescription को पढ़ते हैं कि physician ने उस पर क्या चीज़ लिखी हुई है, कौन सी medication लिखी हुई है, we have to give them. So this usually involves interpreting a written prescription, but may on occasions also include checking instructions given by word of mouth. अब basically ये होता है कि जरूरी नहीं है कि जो prescription हमारे पास आ रही है वो written form में ही हो, it can be verbally, मतलब अगर जो doctor है वो आप उसे telephone पर भी बात कर सकते हैं, वो आपको telephone पर भी बता सकता है कि कौन सी medicines आप इनको दे सकते हैं। और दूसरी बात कि वो patient भी बता सकता है कि हम जो doctor ने ये suggest किया। फिर नेक्स्ट स्लाइड की अब डिस्पेंसिंग के हमने डिस्पेंसिंग में क्या क्या चीज़ों को कवर करना है, तो वो ये पॉइंट है कि रिसीविंग एंड कंफर्मिंग द ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उससे प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर लेते हैं। जब हम उससे प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर ले लेते हैं तो उसके बाद उसकी प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन सी मेडिकेशन गिवन है। थर्ड स्टेप है, उसके बाद हम उससे क्या करते हैं कि उन मेडिसिन को देखते हैं कि उनमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो आपस में इंटरैक्ट कर रही है, उनको अच्छी तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि इसमें कोई ऐसी मेडिकेशन जो इंटरैक्ट कर रही हो या कोई एज का फैक्टर ना आता हो उन मेडिकेशन को, या कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है। उन चीज़ों को देखने के बाद हम क्या करते हैं कि अगर कोई इशू आ रहा होता है तो हम उसको दोबारा कंसल्ट करके फिजिशियन से हम उस मेडिसिन को रिमूव कर देते हैं और फिर हम उसको फिर जो हम बाकी मेडिसिन है या उसकी रिप्लेसमेंट में हम उसको अल्टरनेटिव दे देते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं कि आपने ये मेडिसिन इस तरह से लेनी है, खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है एंड ऑल दिस। डिस्पेंसिंग मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट। तो डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट वाला जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों के साथ कवर करूंगी और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आयशा आपके साथ कवर करेंगी। तो डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट में प्रिस्क्रिप्शन काउंटर आता है, वेटिंग एरिया आता है, रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट आता है, बैरियर्स, नॉइज एंड डिस्ट्रक्शन दैट कैन अफेक्ट डिस्पेंसिंग।
और ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आयशा आपके साथ डिस्कस करेंगे, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड। जी बच्चे इससे भी नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट पहले हमारे पास सर नहीं बस ओके आज ही है सर। सबसे पहले प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन आता है, तो सर एक सर पीछे लीजिएगा ओके। सबसे पहले सर ठीक है नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सर। सबसे पहले प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें क्या होता है कि फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन कौन सी मेडिसिन है, और रिमूवल ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम द शेल्फ है, असेंबली ऑफ मेडिसिन है, बिलिंग है, पैकेजिंग है, एंड रीफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। इसके बाद दूसरा एस्पेक्ट आता है डिस्पेंसिंग एरर्स है, कोई मतलब कोई जो है ना कौन सी जो मेडिकेशन है वो कोई गलत दवाई है चली जाए, एक जो जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन दो तरह की दवाइयां हैं तो वो कुछ एक की वजह से कोई और ना चली जाए। रोल ऑफ डिस्पेंसर इन प्रमोटिंग द करेक्ट डिस्पेंसिंग और रिफ्यूजल टू डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन, कुछ प्रिस्क्रिप्शन ऐसी होती है जो आप नहीं जिसको आप डिस्पेंस कर सकते, और अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल प्रिस्क्रिप्शन, तो जो आपने अल्टरनेटिव देना या कुछ इस तरह से वो भी आप उसमें करेंगे। तो नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन काउंटर, आइडियली प्रिस्क्रिप्शन काउंटर शुड बी एक्सेसिबल टू क्लाइंट, preferably be separate and in a quiet location. If there are other separate sections, it should be slightly away from them. So basically इसमें ये होता है कि जो भी prescription counter होता है वो easily available होना चाहिए clients को। फिर हमारे पास तीन चार categories होती है कि जो drugs हैं वो एक साइड पे available होनी चाहिए, जो cosmetics के products हैं कुछ pharmacies में जिस तरह से lip balm वगैरह OTC जो है हमारे पास section वो अलग होना चाहिए, जिसमें हमें ड्रग्स प्रोवाइड करनी है वो काउंटर जो है हमारे पास अलग होना चाहिए। ये हमारे पास फार्मेसी डिजाइन भी होता है कि हमारे पास ये चीज़ें जो है तीनों काउंटर सेपरेट होने चाहिए, जो काउंटर है वो साफ होना चाहिए, और इनकी अरेंजमेंट एक बहुत इस तरह से होनी चाहिए कि इजीली आप असेस कर सकें, और ये जो ये ऐसा हो कि इजीली एक्सेसिबल हो कि अगर हम जिस भी एरिया में हमें नजर आ रहा हो कि ये यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन काउंटर है, हमें यहाँ से जाके मेडिसिन परचेज करनी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट में हम अगली चीज पढ़ेंगे कि डिफरेंट कलर अपीयरेंस एंड डीमार्केशन। अब हमारे पास जो है ना डिफरेंट सेक्शंस जो मैं आपको बता चुकी हूँ डिफरेंट, उसको अलग ताकि वो नजर आए उसका कोई कलर या उसकी अपीयरेंस ऐसे कर देनी चाहिए कि वो बाकी सेक्शन से डिफरेंट नजर आ रहा हो, या कोई बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए, डीमार्केशन का मतलब लिमिट या कोई बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए ताकि इससे प्रिस्क्रिप्शन काउंटर जो है वो हमारे पास अलग नजर आ रहा हो, और कोई अलग से एक सिटिंग एरिया भी होना चाहिए जहाँ पर क्लाइंट वेट कर सके, अगर हमारे पास फार्मेसी पर रश है तो वो अलग से क्लाइंट जो है वो बैठ के वेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वेटिंग एरिया की, अब हमारे पास है कि वेटिंग एरिया किस तरह का होना चाहिए और उसमें किस तरह की चीजें पड़ी हुई थी, तो चेयर्स वगैरह कंफर्टेबल होनी चाहिए, हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, हर तरह के लोगों ने आना होता है, तो ओल्ड एज के होते हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो आके इजीली वहाँ पे बैठ सके, और इसमें ये होता है कि हमारे पास वेटिंग एरिया में मैगजीन होनी चाहिए,
जिसमें हेल्थ हेल्दी इंफॉर्मेशन हो, हेल्थ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो और सिलेक्टेड मटेरियल रिलेटेड टू गुड हेल्थ टू कीप द क्लाइंट बिजी, जिससे हमारे पास क्लाइंट का टाइम भी थोड़ा सा अच्छा पास हो जाए जब तक वो वेट कर रहा है, वेटिंग एरिया में है। पैम्फलेट्स होने चाहिए, पोस्टर्स होने चाहिए जिससे उनको अवेयरनेस हो कि किस तरह की डिजीजेज आजकल प्रिवेल कर रही हैं और उनको किस तरह से प्रिवेंशन है। तो ये बेसिकली एक हेल्थ एजुकेशन सेंटर के तौर पर भी यूज होता है कि यहाँ पर हमारे पास एजुकेट करते हैं हम क्लाइंट्स को बाय गिविंग दीज थिंग्स। वी क्लेम टू गिव अ प्रोफेशनल इंप्रेशन एंड आउटपुट टू द फार्मेसी। We organize to provide for a safe and efficient working area such that things are found in the right place at the right time. अब easily हमें accessible हो चीज़ें, ये ना हो कि haphazard और random तरीके से चीज़ें पड़ी हो जिसकी वजह से हमें problem आए। और temperature और humidity जो है वो control करनी चाहिए as appropriate। अब क्योंकि drugs जो है वो एक proper temperature पे जो है सेफ होती हैं, उसके अदरवाइज उनको स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं, तो उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वो भी मॉनिटर होती है और वो लाजमी मेंटेन की जाए। एक प्रोफेशनल एरिया है तो उसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या कोई इस तरह की कोई गेम्स या कोई टेलीविजन वगैरह को अवॉइड किया जाए जिससे कोई डिस्ट्रैक्शन ना, इस तरह ना हो कि डिस्पेंसिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए। Have medicines stored in an organized way on shelves in an alphabetical order or using the method. अब हमने shelf पर medicines को किस तरह से रखना है वो ये है कि हमारे पास alphabetical order में जिस तरह हम easily इसको access कर सकें, ये ना हो कि हमारे पास कोई error आ जाए जल्दी जल्दी में हम उसे गलत medicine उठा लें या easily हम उसे select कर लें। नेक्स्ट टॉपिक हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, ये हमारे पास आयशा का टॉपिक है, तो आयशा कवर करेंगे। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है। आयशा स्टार्ट करें। आई एम गोइंग टू डिस्कस हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अब हमारे पास क्या हो गई है, प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, उसको हमने अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना। जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर केयर हमने शो करवानी है, उसके साथ हमने फ्रेंडली रहना है, उसको उसके साथ आई कॉन्टेक्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, कोजी एम्बियंस होना चाहिए, कर्टिसी होनी चाहिए हमें, हो के हम पेशेंट की केयर करते हैं, ठीक है। तो और हमारी कम्युनिकेशन का पैटर्न और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि हमें वो पेशेंट खुद बताए कि उसको क्या क्या मसले हैं और हमें खुद ही बताए कि उसको क्या क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब प्रिस्क्रिप्शन आ गई तो आगे फार्मासिस्ट का क्या काम है सर? नेक्स्ट, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्लाइंट जो हमारे पास आया है वो खुद पेशेंट है या फिर पेशेंट के बिहाफ पे कोई आया है, उसका फैमिली मेंबर तो नहीं कोई लेने आया, तो या फिर हमें पता होना चाहिए कि उसका क्या रिलेशन है पेशेंट के साथ। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम उसको कहें कि जब तक हम चेक करें प्रिस्क्रिप्शन आप थोड़ा सा वेट करें। और हमने उसमें क्या क्या चेक करना है, हमने उसमें देखना है कि वो लीगल है या नहीं, हमने देखना है उसके ऊपर डॉक्टर की स्टैंप लगी हुई है, उसके साइन है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल के, ठीक है। और हमने देखना है कि प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट है या नहीं है, और उसके थेरापूटिक एक्सपेक्ट्स देखने हैं। वैसे तो जो बाहर वगैरह ना उधर वो होते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, वो ड्रग्स एंटर करते हैं तो खुद ही आ जाते हैं ये थेरापूटिक एक्सपेक्ट्स। हमने ये देखना है कि थेरेप्यूटिक एक्सपेक्ट्स में जैसे रुखसार ने बताया कि हमने उसकी डोज वगैरह देखनी है, ये देखना है कि वो उस पेशेंट के हिसाब से ठीक है या नहीं, अप्रोप्रिएटनेस फॉर द इंडिविजुअल। उसके बाद ये है कि रीडिंग प्रिस्क्रिप्शन एंड चेकिंग फॉर कम्प्लीटनेस एंड करेक्टनेस। अच्छा, अब हमें चेक करते हुए ना सर, नेक्स्ट चेक करते हुए ना हमने बहुत ध्यान से प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना है, हमने अलर्ट रहना है और इधर उधर बातों में नहीं लगना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपनी अटेंशन हमने डाइवर्ट नहीं होने देनी,
ठीक है, और अपना सारा प्रोफेशनल नॉलेज और अपना सारा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हमने सामने ला के फिर प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना है, ताकि मतलब हमने अपना सारा नॉलेज जो है ना वो रिकॉल करना होता है प्रिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। उसके बाद है सर नेक्स्ट, इसके बाद देखने, अब हमने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया है, अब डिस्पेंसर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रीड कर रहा है, अब वो देखेगा कि लीगल है या नहीं, वही जो मैंने आपको बताया है पहले कि उसको ऐसे का ऐसे एज इट इज डिस्पेंस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके साथ कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, जैसे कि कभी कभी होता है हम इंसुलिन वगैरह लेने जाते हैं उसके साथ उन्हें आइस देनी पड़ती है और मतलब इस टाइप की चीज़ें ना, उसे देखना पड़ता है कि स्पेशल रिक्वायरमेंट है या नहीं है और वो कंप्लीट है, लीगल है, उस पर साइन है या नहीं है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल के, और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन सफिशेंट इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं प्रिस्क्रिप्शन में। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सर नेक्स्ट, अच्छा पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास हैं, देयर आर 5 पार्ट्स, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर। अच्छा सबसे पहले हमारे पास आती है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है, हमारे पास आरएक्स का सिंबल होता है जिसका मतलब होता है रेसिपी, और उसका मतलब होता है कि यू टेक, ठीक है, बस सुपरस्क्रिप्शन में सिंपल बस ये साइन होता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन का वो पार्ट है जिसमें हमारे पास लिस्ट होती है मेडिसिन की विद देयर स्ट्रेंथ मेंशन, मेडिसिन होती है और आगे उसकी ना स्ट्रेंथ लिखी हुई होती है, जैसे इधर एग्जांपल है नोवा मैक्स, नोवा मॉक्स 250 mg। अच्छा उसके बाद आ जाती है हमारे पास सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन वो है ये जो है ना सब्सक्रिप्शन होती है इंस्ट्रक्शन टू डिस्पेंसर के, जो फिजिशियन ने है वो डिस्पेंसर को क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि कितने डोजेज यूनिट देने हैं, टैबलेट देनी है या कैप्सूल देना है या क्या देना है, ठीक है, और या कितने यूनिट वगैरह देने हैं, ये आ जाता है हमारे पास सब्सक्रिप्शन में। अब आगे हमारे पास आ जाता है सिग्नेचरा। सिग्नेचरा क्या होती है, पहले जो ऊपर था सब्सक्रिप्शन वो था इंस्ट्रक्शंस टू फार्मासिस्ट, अब सिग्नेचरा में आती है इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, ठीक है, डॉक्टर पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। अच्छा जैसे कि डायरेक्शंस वगैरह के कितनी लेनी है, एक टाइम लेनी है, दो टाइम लेनी है, कितने पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, ठीक है, ये सारा हमारे पास आ जाता है उसमें। अब हमारे पास है सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर, अब ये लास्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ होता है कि डॉक्टर के साइन होते हैं और होते हैं स्टैंप वगैरह होती है डॉक्टर की, इसमें इन्होंने ये भी पॉइंट लिखा हुआ है कि हैंड राइटिंग, हमें पता है डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग जो है वो गंदी होती है, तो हमें पता लग जाता है कि डॉक्टर ने ही लिखा है प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमारे पास रिफिल इंफॉर्मेशन आ जाती है। रिफिल इंफॉर्मेशन में ये होता है कि ये हमें पहले ही पता है कि अगर उसके लिए एक टाइम की वो दवाई सफिशिएंट नहीं है तो उसने कितने दिन तक लेनी है, तो नीचे जो होते हैं बॉक्सेस बने हुए होते हैं तो जो डॉक्टर है ना उसमें फिल कर देता है, उसने डॉक्टर बता देता है और फार्मेसिस्ट जब जब डिस्पेंस करता है ना उसको फिल करता रहता है, तो हमें पता लग जाता है कि रिफिल कितने करनी है और टाइम हो गया या नहीं ख़त्म दवाई का। उसके बाद आता है डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। अब कंट्रोल ड्रग्स की डिस्पेंसिंग जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसमें हमने ना अपने सारा कुछ मेंटेन करके रखना होता है, मतलब सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है, उसको सेफ जगह पे रखना होता है, ऐसे होता है, ठीक है, लॉक एंड की में रखना होता है और सेपरेट रजिस्टर शुड बी मेंटेन टू रजिस्टर देम। अच्छा आगे ये बना हुआ है कैबिनेट बना हुआ है, ये ड्रग कैबिनेट, इसमें लॉक लगा हुआ होता है, डबल लॉक कैबिनेट है, इसमें सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन की जो है ना वो एक्सेस होगी। उसके बाद होता है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, जो है ना
1985 के में ना वो था, एक लॉ पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ना उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर होना चाहिए पेशेंट का फुल नेम, उसका एड्रेस, डेट, ड्रग का नाम, उसकी स्ट्रेंथ, क्वांटिटी और सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं ना, हॉस्पिटल के अंदर दो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती हैं सर। नेक्स्ट, एक इन पेशेंट होता है और एक आउट पेशेंट होता है। अब हमने उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन को कैसे देखना है और कैसे हमने ना अपने ऑर्डर की प्रोसेसिंग करनी है, डिस्पेंसिंग कैसे करनी है सर। नेक्स्ट कर दें, इसके भी बाद आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट। इसमें क्या है, इसमें यह है कि प्रिस्क्रिप्शन लिख दी डॉक्टर ने, अब फार्मासिस्ट ने उसको रिसीव किया, अब उसकी फिलिंग होगी, पहले रिसीविंग होगी, फिर फिलिंग होगी, फिर डिस्पेंसिंग होगी। रिसीव कर लिया, फिलिंग में क्या क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन जहाँ पे रखी हुई है ये वो, उस चीज़ की सिलेक्शन हो गई, और फिर उसके बाद लेबलिंग कर दी अपनी, और उसके बाद उसकी प्राइसिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने पेशेंट को डिस्पेंस कर दी। अब जो है ना, हमने अपने पास रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना है, प्रिस्क्रिप्शन फाइल हमने मेंटेन करनी है। अगर वो रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन है तो उसको रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल में रखेंगे। अगर वो नारकोटिक है तो नारकोटिक का मैंने आपको बताया उसका अलग हमने मेंटेन करना है रजिस्टर, तो उसको नारकोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल में रखेंगे। इसके अलावा जो पेमेंट है, पेमेंट आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर, या तो अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या तो कोई फंडिंग बेस्ड हॉस्पिटल है, तो वो या तो फ्री होंगी, ठीक है, या तो कैश ऑन होगी पेमेंट, मतलब उसी वक्त कैश देना है, या तो एक चार्ज स्लिप बन जाएगी पेशेंट के रिकॉर्ड के साथ जो लगती है, फिर एंड में उसकी पेमेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि सिस्टम फॉर इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फोर सिस्टम है हमारे पास। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है, कंबाइंड होता है, या फिर यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होता है। और इनकी जो डिटेल है ना वो आपके साथ सिबगा पर्दा शेयर करेंगी। मेरा पार्ट यहीं तक था, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम जी, स्टार्ट करें। सर आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, स्टार्ट कीजिएगा। माय नेम इज़ वरदान वी, और मैं आपको बताऊंगी इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम के बारे में। ये जो होता है ये स्मॉल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक कंसीडरेशन, और इसमें कम जो होती है मैन पावर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सर नेक्स्ट, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे हमारे पास आता है कम्प्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ये जो होता है इसमें ड्रग्स जो होती हैं वो नर्सिंग स्टेशन के ऊपर स्टोर होती हैं, और नर्स जो होती है उनको एडमिनिस्टर करती है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द चार्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन बाय द फिजिशियन। और ये जो होती हैं ड्रग्स जो यहाँ पे स्टोर होती हैं वो मोस्टली कॉमनली यूज ड्रग्स होती हैं। सर नेक्स्ट प्लीज। और जो फ्लोर स्टॉक ड्रग्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं हमारे पास। इसमें आती हैं चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स होती हैं और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स होती हैं। सर नेक्स्ट, आगे हमारे पास थर्ड जो आता है वो उसमें आता है कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ये जो होता है इसमें ना इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम जो होता है वो प्राइमरी मीन्स होता है, मतलब ये ज्यादा होता है, और लिमिटेड अमाउंट जो लिमिटेड इसमें होता है हमारे पास फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है इसमें। आगे आती है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। इसमें जो होता है ना हमारे पास प्री डिटरमिंड अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती है हम उसको ऑर्डर करते हैं, पैकेज करते हैं, हैंडल एडमिनिस्टर और चार्ज करते हैं,
और इसमें सफिशिएंट सप्लाई सफिशिएंट होती है फॉर वन रेगुलर डोज। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे आते हैं कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग जो होती है हमारे पास वो दो तरह की होती है, सीयूडीडी और डीयूडीडी। सीयूडीडी मींस सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम और डीयूडीडी मींस डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। आगे हमारे पास ये दिया हुआ है न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम। इसमें जो होता है हमारे पास डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर ट्यूब सिस्टम होता है कि हम लोग इसमें सप्लायर्स की कम जरूरत पड़ती है, मतलब डिफरेंट जो हम लोगों ने लैब टेस्ट वगैरह देने हो या फिर इस तरह की चीजें हो तो हम लोग इजिली फ्लोर्स में एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर नेक्स्ट। आगे हमारे पास आता है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें जो होता है कि डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर स्मॉल सैटेलाइट्स फॉर्मेसीज होती हैं और जो मेन फॉर्मेसी होती है उसका काम ये होता है प्रोक्योरमेंट में, स्टोरेज में, मैन्युफैक्चरिंग में और पैकेजिंग में काम होता है उसका। सर नेक्स्ट स्लाइड। आगे मेरे पास स्टोरेज एनवायरनमेंट का बताया हुआ है कि वो कैसा होना चाहिए, तो उसमें एडिक्वेट टेम्परेचर होना चाहिए, सफिशेंट लाइटनिंग और क्लीन कंडीशंस, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए, एडिक्वेट शेल्विंग टू इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ द स्टोर ड्रग्स। आगे ड्रग स्टोरेज बताई हुई है, ये चार तरह की होती है हमारे पास। इसमें सबसे पहले आती है स्टेबिलिटी कॉम्पेटिबल स्टोरेज, सिक्योर स्टोरेज, सेफ स्टोरेज एंड सेग्रीगेट स्टोरेज। स्टेबिलिटी कॉम्पेटिबल स्टोरेज जो होती है उसमें आती है टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी आ जाता है, सैनिटेशन एंड वेंटिलेशन। और सिक्योर स्टोरेज जो होती है उसमें आता है फिजिकली होती है, केमिकली और फाइनेंशियली हो सकती है। और सेफ स्टोरेज जो होती है पॉइजन और फ्लेमेबल हो सकती है। आगे स्टोरेज एंड स्टॉक मैनेजमेंट का बताया हुआ है। इसमें ही बताया हुआ है कि अगर हम जो ड्रग है उसको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस उसकी नहीं देंगे तो वो अपनी जो उसकी एक्सपायरी डेट है उससे पहले ही उसकी पोटेंसी जो होगी वो लॉस हो जाएगी। इसलिए अगर उसको प्रॉपर कंडीशंस देंगे तो उसके बाद ही उसको अपनी एक्सपायरी डेट तक पहुंच सकती है ड्रग तक। सर नेक्स्ट स्लाइड सिद्धा शेयर करेंगे। ओके थैंक यू। वालेकुम सलाम। ये स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिब्बलवी। और रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस है इसमें, स्टोर जब हम बिलो करते हैं -5°C पे तो उसको फ्रीजिंग के लिए करते हैं, और जब हम स्टोर करते हैं बिटवीन 2 to 8°C तो ये रेफ्रिजरेशन के लिए होता है, फ्रीजिंग इसमें हम करते हैं। और जो स्टोर करते हैं बिलो 25°C तो उसको एयर कंडीशनिंग के लिए होता है, ये 30°C जो होता है रूम टेम्परेचर होता है। इसमें कुछ साइंस भी हमें पहला है दिस साइड, आप इसको अपने हैंडल विद केयर, फ्रेजाइल है और कीप ड्राई और कीप अवे फ्रॉम सनलाइट और डू नॉट ड्रॉप, मैक्सिमम 5 कार्टन होने चाहिए, ओनली यूज द फॉली। वेज ऑफ ड्रग्स कोटिंग दो तरह के होते हैं, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है और कोड नंबर सीक्वेंस आता है। तो उसमें या तो सॉलिड के लिए होती है, लिक्विड के लिए होती है कोड नंबर सीक्वेंस। और वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन में दो तरह के होते हैं, शेल्फ की स्ट्रिपिंग होती है, इसमें फॉर मार्किंग होती है। शेल्फ स्ट्रिपिंग में इंफो होती है और टाइप होती है इसकी। इन टाइप्स में आती हैं टेप हो सकती है, प्लास्टिक, मेटेलिक, कार्ड को वुडन शेल्फ हो सकता है। और इंफो में आते हैं नेम और स्ट्रेंथ आ सकते हैं, यूनिट साइज है, मैक्सिमम मिनिमम लेवल आता है और रीऑर्डर आता है। ड्रग स्टोरेज रूम स्टॉक कंट्रोल, स्टॉक इन्वेंट्री में एनुअल इन्वेंट्री आती है, बाय एनुअलर आती है और मंथली इन्वेंट्री आप ले रहे हो और वीकली है, रियल टाइम इन्वेंट्री आती है।
टू अपहोल्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन ड्रग स्टोरेज रूम. हम लोग को स्टोव को रोटेट करना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि एक्सपायरी डेट इसकी आ गई है और हम निकाल सकें ड्रग्स को वो वाली जो एक्सपायर हो चुकी है. और मेनटेन करना चाहिए FIFO को, LIFO प्रोसीजर को आगे आएगा. और इसका हमें देखना चाहिए कि कोई भी ड्रग जो एक्सपायर ना हो जो शेल्फ में पड़ी हुई है. FIFO फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट प्रोसीजर, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसीजर और लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसीजर. ड्रग स्टेबिलिटी होती है कि हम लोग जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है उसकी फिजिकल केमिकल थेरेप्यूटिक और माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को मेंटेन कर रहे हैं और उसको पेशेंट यूज कर रहे हैं उसको स्टोर सही से कर रहे हैं. और एक्सपायरी डेट्स ये होती हैं कि ड्रग जो है जो ड्यू डेट हम लोगों को दी गई है उसके बाद यूज ना करें क्योंकि उसमें वो हार्मफुल हो सकती है पेशेंट्स के लिए और उसमें माइक्रोबियल केमिकल डिग्रेडेशन हो सकती है और वो उसकी पोटेंसी भी कम हो जाती है. अगर एक्सपायरेशन डेट्स इस तरह एक्सप्रेस की जा रही हैं कि मंथ और ओवर ईयर, तो इसमें मतलब यह है कि 3 जो है मंथ हो गया 2013 ईयर हो गया, तो उसमें यह है कि इन किस 3 मंथ की थर्ड मंथ की 31st डेट की 13 की थर्ड मंथ की 31st डेट के बाद इसको आप ना यूज़ करें, ये लास्ट ही होना चाहिए इसकी यूज़ का. और अगर जो एक्सपायरेशन डेट इस तरह दी के मंथ और डे और ईयर में, तो इसका मतलब यह कि इस डे में ये आसानी से यूज की जा सकती है, इसके बाद इसको यूज नहीं करना चाहिए. और केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन डिपेंड आता है, उसमें अगर डिकम्पोजिशन ज़्यादा होती जाती है, डबल होती जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज करता है, और सर्च कंडीशन हमें देखनी चाहिए कंटिन्यूसली. ये जो ड्रग्स हैं ये इनकी एक्सपायरी डेट जो होती है ना शॉर्ट होती है, और इसमें आई ड्रॉप्स आते हैं पहले ये 1 मंथ तक, अंदर हम इनको ओपन कर लेते हैं, इसके बाद 1 मंथ तक एक्सपायर हो जाते हैं. एंटीबायोटिक सीरप एंड सस्पेंशन हैं, इन्हें 1 वीक के बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं जब हम ड्यू रूम टेम्परेचर में स्टोर करते हैं, और 2 वीक्स बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं तो हम इनको रेफ्रिजरेशन में स्टोर करते हैं. एम्प्यूज हैं ये जो है, ये इनको भी जल्दी यूज़ करना चाहिए. और वाइल्स होते हैं उसमें तो मल्टी डोज होती है ना, तो वो जो है 24 आवर्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको करनी चाहिए. और नेबुलाइजर सॉल्यूशन हैं, उनको भी 1 मंथ के बाद नहीं यूज़ करना चाहिए ओपन करने के बाद. इंसुलिन है वो भी एक बार पंक्चर कर दी जाए तो उसको 28 डेज तक यूज़ करना चाहिए बस. सीरप सस्पेंशन हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स के अलावा इनको भी 1 मंथ के लिए यूज़ करना चाहिए. टैबलेट्स और कैप्सूल्स हैं, और ये भी पैकेज रिमेन स्टेबल इन द पैकेज बट आफ्टर रिमूवल एक्सपायरी डेट विल बी चेंज, उसी पे एक्सपायरी चेंज होती है. और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्रग स्टेबिलिटी को, उसमें टेम्परेचर है, पीएच है, मॉइस्चर है, लाइट है, ऑक्सीजन है, और सब इनकम्पैटिबिलिटी है. टेम्परेचर भी जो है एक्सेलरेट इंक्रीज कर देता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह को, इसलिए ड्रग डिकम्पोजिशन हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है. और ये चाहिए एसिटिक इंक्लाइन पीएच जो है ये भी डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करती है. और मैनी ड्रग्स होते हैं मोस्टली स्टेबल होते हैं 4 to 8 पीएच में. मॉइस्चर भी जो है वाटर जो है अप्लाई करता है ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन को, इससे भी ड्रग डिकम्पोजिशन हो जाती है. लाइट जो है ये भी अफेक्ट करती है, थर्मल इफेक्ट होते हैं इसके जिससे ऑक्सीडेशन होती है. ऑक्सीजन जो है ये भी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है, और ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी आती है इसमें. और वार्ड्स में सेफ कीपिंग रखना जो होता है इसको हमें पॉइंट करना चाहिए नर्सिंग चार्ज को, और सेपरेट में टेबल वार्ड होने चाहिए जैसा कि कंट्रोल ड्रग्स करने का इंटरनल मेडिसिन सब बोर्ड है, एक्सटर्नल मेडिसिन सब बोर्ड है, रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर पर मेडिसिन होने चाहिए, एंड सेपरेट स्टोरेज शुड बी प्रोवाइडेड. सपोर्ट फॉर डायग्नोस्टिक एजेंट्स,
और यूरिन टेस्टिंग और एरिया होनी चाहिए फिर इंट्रावेनस फ्लूइड्स के लिए लदा होनी चाहिए और स्टराइल टॉपिकल फ्लूइड्स के लिए भी और क्योंकि उसमें एरियाज होनी चाहिए सेपरेट फॉर फ्लेमेबल फ्लूइड्स एंड टेस्टिंग। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। फ्रॉम इवनिंग स्टूडेंट्स, आप अब मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगर अवेलेबल हैं तो वो स्टार्ट कर दें प्रेजेंटेशन। मॉर्निंग स्टूडेंट में आई थिंक शायान है, शायान और अमीर हमजा, रूजनीफ, मायरा और फजल नवाज। जी सर, अवेलेबल हैं सारे। चलें ठीक हो गया जी, ये मैं प्रेजेंटेशन जो है ना ये शो कर रहा हूँ आपको। स्टार्ट करें बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा टॉपिक है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग बेसिकली रिटेल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी पे होती है और हॉस्पिटल में ही आउट पेशेंट्स को जब हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उसको डिस्पेंसिंग कहते हैं। Dispensing is an important part of practice of pharmacy in which the dispenser interprets the physician's requirement. सबसे पहले जब आपके पास prescription आता है आप उसको interpret करते हो उसके accordingly और check करते हो कि illegal है कि नहीं है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ doctors के मतलब written prescription के बजाय vocal orders पे भी आप dispense कर सकते हो। Sir next करते हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, एक्चुअली शायद इंटरनेट की स्पीड। ये डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो आप डिस्पेंसिंग के दौरान परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आप डिस्पेंसिंग। ओके सर, अच्छा ये डिस्पेंसिंग एक्टिविटीज हैं डिफरेंट। सबसे पहले जब आप रिसीव करते हो तो मतलब सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन आप रिसीव करते हो फिर उसको कंफर्म करते हो और उसके बाद चेकिंग करते हो प्रिस्क्रिप्शन की कोई एरर तो नहीं है और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हो, वेरीफाई करते हो कि मतलब डॉक्टर ने ही लिखा हुआ है, इस तरह की चीजें चेक करते हैं। तो उसके बाद आप रिमूव करते हो कैबिनेट से मेडिसिन वगैरह या और उसको अगर आपने कंपाउंड करना है तो आप कंपाउंडिंग की तरफ जाते हो और फिर आप इशू करते हो मेडिसिन पेशेंट्स को। डिस्पेंसिंग मॉड्यूल्स, डिस्पेंसिंग मॉड्यूल्स में सबसे पहले डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप इजीली पेशेंट को जो मेडिसिन है वो डिस्पेंस कर सको विदाउट एनी हर्डल्स वगैरह। मतलब सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन काउंटर एक मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, वेटिंग एरिया बना होना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा मतलब इधर उधर ना फिरें। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट क्या होती हैं वो भी हम देखेंगे। बैरियर, नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन दैट कैन अफेक्ट डिस्पेंसिंग, ये भी हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी डिस्पेंसिंग में रुकावट बन सकती हैं। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है सबसे पहले कि आप प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते हो फिर आप उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हो, एलिजिबिलिटी चेक करते हो कि रीडेबल है कि नहीं है, कम्प्लीटनेस करेक्टनेस सारी चीज़ें उसकी चेक करते हो। नेक्स्ट सर, अच्छा प्रोसेसिंग ऑफ डिस्पेंसिंग मॉड्यूल्स के ही पार्ट है कि प्रोसेसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्पेंसिंग। जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है तो आप उसकी फिलिंग करते हो तो आप सबसे पहले कैबिनेट से या शेल्फ से मेडिसिन रिमूव करते हो, उनकी असेंबलिंग करते हो, फिर बिलिंग करते हो और फिर आप पैकिंग करके पेशेंट को दे देते हो। इसी तरह रिफिलिंग में भी जब आप मतलब पेशेंट आपके पास आता है तो आप यही काम करते हो कि आप रिमूव करते हो पहले कैबिनेट से, असेंबल, बिलिंग और पैकिंग करके उसको देते हो और बस यही करना होता है कि आपने रिफिल के जो बॉक्स होता है उसको चेक करना होता है। अदर एस्पेक्ट्स में है कि डिस्पेंसिंग एरर्स भी हो जाते हैं कि आपने देखना पड़ता है कि आप कहीं गलत चीज़ उठा के तो नहीं दे रहे हो। रोल ऑफ डिस्पेंसिंग इन प्रमोटिंग करेक्ट डिस्पेंसिंग के मतलब डिस्पेंसर को चाहिए कि जब वो डिस्पेंस कर रहा है तो पूरा अलर्ट हो, वो उसी काम की तरफ उसकी सारी तवज्जो हो, इधर उधर के कोई काम ना करे। रिफ्यूजल टू डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन, ये इसलिए हो सकता है कि जब मतलब रिफ्यूजल आप तब कर सकते हो जब आपका जो प्रिस्क्रिप्शन आया वो कोई सही नहीं है
अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल प्रिस्क्रिप्शंस, अगर आपके पास कोई ऐसा ब्रांड है जो सस्ता है जो इससे कि जो फिजिशियन ने लिखा है, तो आप रिकमेंड कर सकते हो पेशेंट को कि आप वो वाला ब्रांड ले लो जो कि बायोइक्विवेलेंट है उस दूसरी ब्रांड के साथ। नेक्स्ट करते हैं, डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट में प्रिस्क्रिप्शन काउंटर को देखेंगे। ये जो प्रिस्क्रिप्शन काउंटर है जहाँ पे पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा, वो एक सेपरेटली बना होना चाहिए, एक एक्सेसिबल हो के हर पेशेंट वहाँ पे आ सके। और यह इसके लिए जरूरी है कि मतलब एक अच्छी बात है कि ये सेपरेट हो कैश काउंटर के साथ, ताकि कोई मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और एक स्पेसिफिक लोकेशन इसको दी गई हो और ये सारे दूसरे सेक्शन से हट के हो थोड़ा सा, और ये हो कि थोड़ा ऑर्डरली हो, क्लीन हो, लेबल्ड हो, जिस तरह कोई कोई टैग लगा हुआ हो इसके ऊपर, कि ताकि पेशेंट को पता चल जाए कि कहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन काउंटर है। सर नेक्स्ट करते हैं, अच्छा डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे भी इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन काउंटर की या प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन की बात की हुई है कि वो एक मतलब क्लीन होना चाहिए, कलर मतलब थोड़ा एक ऐसा डिफरेंट सा हो ताकि पेशेंट्स को पता चल जाए, और एक वेटिंग एरिया हो ताकि जो पेशेंट्स आए हुए हैं उनके लिए मतलब जगह हो कि वो बैठ सके, आराम से वेट कर सके अपनी बारी का। सर नेक्स्ट करते हैं, अच्छा वेटिंग एरिया के लिए कुछ इन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, या मतलब कुछ चीज़ें होनी चाहिए वेटिंग एरिया में, कि कुछ कंफर्टेबल चेयर्स हों ताकि मतलब एटलीस्ट थोड़ी बहुत चेयर्स हों ताकि जो पेशेंट्स हैं वो आराम से बैठ सकें। ऑफकोर्स वो पेशेंट्स होंगे तो कुछ ना कुछ मतलब उनको कम्फर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, और उनके लिए कोई करंट पॉपुलर हेल्थ मैगजीन्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ रही होना चाहिए, ताकि वो वेटिंग मतलब इंतजार करते करते भी बोर ना हो जाए, कि कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें वो ढूंढ लें। कोई ऐसे अगर उनको मतलब अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो वो उन हेल्थ मैगजीन्स को पढ़ के, एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ के उनको भी देख लें। पैम्फलेट्स वगैरह होने चाहिए जाके आपको इसी तरह की चीज़ें बताएं लोगों को, ताकि वो एक तो बोर ना हो और अपनी जो अदर मेडिकल इश्यूज हैं उसके बारे में भी जान सकें। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि या सबसे पहले तो क्लीन होना चाहिए, ऑफकोर्स आप एक फार्मेसी में काम कर रहे हैं तो ये एक क्लीन एनवायरमेंट होना चाहिए, और बी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि हर चीज उसकी प्रॉपरली स्पेस पे पड़ी हुई हो, इधर उधर ना हो, ताकि आपको जब डिस्पेंस करने के लिए मतलब चीजें जाएं तो आपको उस जगह पे मिल जाए, इससे टाइम भी बचेगा आपका। तो और ये भी है कि जब आपने चीजें बीच में नहीं रखनी है या इस तरह इधर उधर नहीं रखनी है, ताकि आपके लिए इजीली मूवमेंट के लिए भी जगह हो, ये ना हो कि आप एक दूसरे में ही टकरा रहे हैं या फिर आप कुछ चीजों मतलब चीजें पड़ी हैं और आप मूव नहीं कर पा रहे हैं किसी साइड पे। से नेक्स्ट कर दें, अच्छा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए कि जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी वगैरह है वो अप्रोप्रिएट हो, यानी कि हमें पता है कि मेडिसिन को एक हम स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं, अगर उस टेम्परेचर से इधर उधर चले जाएं तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ख़राब हो सकती है, मतलब वो मेडिसिन जल्दी ख़राब होने की तरफ जा सकती है, और ताकि उस मतलब इस टेम्परेचर ह्यूमिडिटी स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये है कि लाउड म्यूजिक, कोई टी वी ना लगाओ, गॉसिपिंग ना हो रही हो, ताकि जो मतलब जो डिस्पेंसर है और जो पेशेंट है वो एक दूसरे की बात आसानी से सुन सकें, कोई डिस्ट्रैक्शन ना मिले। अच्छा यहाँ पे ये भी बात लिखी हुई है कि आप जो मेडिसिन अपने मतलब कैबिनेट्स में या अपने जो शेल्फ वगैरह पे लगाई हैं वो एक अल्फा पार्टिकल ऑर्डर में या एक स्पेसिफिक ऑर्डर जो आपके लिए सूटेबल है उसमें रखें, ताकि जब वो प्रिस्क्रिप्शन आए तो आपको पता हो कि आपने किस तरफ किस जाना है, जहाँ पे ये वाली कैबिनेट मतलब किस कैबिनेट में ये वाली मेडिसिन पड़ी हुई है, ताकि आपका टाइम बच सके। नेक्स्ट करते हैं, अब हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले जब
आप प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते हो तो आप मतलब पेशेंट से जब आपने बात करनी है, आपने जब कॉन्टैक्ट करना है उनके साथ, तो एक फ्रेंडली जेस्टर्स होने चाहिए. आप एक स्माइल के साथ एक आई टू आई मतलब कॉन्टैक्ट रखें उनके साथ, ताकि उनको ये ना लगे कि हम कोई एलियनेटेड वर्ल्ड में आ गए हैं, कि हम मतलब आप उनके साथ फ्रेंडली वेलकम रखें. और मतलब इससे ये होगा कि जो पेशेंट्स वगैरह है ना, वो भी अपने मतलब जो उनके प्रॉब्लम्स है वो आपसे शेयर कर सकेंगे और आप आपकी राय ले सकेंगे. से नेक्स्ट करते हैं. सर मेरा पार्ट इधर तक ही था, आप फजल नवाब जो है वो कंटिन्यू करेगी. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. मैं फर्दर हैंड को प्रिस्क्रिप्शन को प्रोसीड करूंगी. अब होता यह है कि प्रिस्क्रिप्शन में आवाज आई. आवाज आ रही है आपकी? okay. जी कंटिन्यू रखें. अब ये है कि प्रिस्क्रिप्शन जो फार्मासिस्ट के पास आ जाती है, तो उसको चाहिए कि वो दो बातों को कंफर्म करे. एक, जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आया है क्या वो पेशेंट खुद अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके आया है. अगर वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेके आया, तो जो लेके आया है उसका पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है. उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करने के बाद क्या वो ऑथेंटिक है प्रिस्क्रिप्शन, फिजिशियन है उसे उसके अंदर कोई ड्रग इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है. उसके बाद अप्रोप्रिएटनेस फॉर द इंडिविजुअल की जो पेशेंट है उसको जो मेडिकेशन डायग्नोज की जा रही है क्या उसके लिए वो एफिकेशियस है या नहीं है. उसके बाद जब वो फार्मासिस्ट जब प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू कर रहा होता है, तो उसको चाहिए कि वो उसका सारा का सारा फोकस सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए. उसे बातों में नहीं लगना चाहिए और उसे अलर्ट रहना चाहिए और उसे अपने सारे स्किल्स जो हैं वो यूज करने चाहिए इन ऑर्डर टू रिव्यू द प्रिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट सर. जब वो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर लेता है और उसे रिव्यू करता है, तो कुछ बातें उसे देखनी चाहिए कि क्या प्रिस्क्रिप्शन ऑथेंटिक है और प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिटन है या वो टाइप्ड है. और अगर वो टाइप्ड है तो क्या उसके ऊपर आरएमपी इज द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसके साइन है. और उसके अलावा जितने भी प्रिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्या वो खुद ही ले आया. पांच पांच होते हैं, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और इसके बाद है सिग्नेचर. और सिग्नेचर जो सुपर सब्सक्रिप्शन होता है इसके अंदर डेट इज द साइन ऑफ द आरएक्स. आरएक्स ओनली डेट इज द रिटेन वर्ड दैट यू टेक. उसके बाद इंस्क्रिप्शन में ये होता है कि जो फिजिशियन की तरफ से होता है, फिजिशियन ने जो मेडिकेशन प्रोवाइड वो प्रिस्क्राइब की होती है पेशेंट को, वो उसके अंदर मेंशन होती है. जो सब्सक्रिप्शन होता है इसके अंदर दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम द फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट कि जो ये प्रिस्क्रिप्शन लेके आया है इसको कितने यूनिट्स लेने हैं मेडिकेशन के. उसके बाद हमारे पास आता है सिग्नेचर. इसके अंदर वो डायरेक्शंस होती हैं जो एक फिजिशियन जो होता है वो पेशेंट को प्रोवाइड करता है कि आपने मेडिसिन एम्प्टी स्टमक लेनी है या फिर आपने फूल लेनी है, या आप जो मेडिकेशन ले रहे हैं वो आप उसे TDS लेंगे, BD लेंगे या OD लेंगे एक्सेट्रा. उसके बाद लास्ट पार्ट आता है फिजिशियन के साइन होते हैं. और ये जो होता है ये प्रिस्क्रिप्शन की ऑथेंटिसिटी को शो कर रहा होता है कि जो वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आया है वो ऑथेंटिक भी है या नहीं. उसके बाद उन्होंने कहा है कि कुछ नारकोटिक्स ड्रग्स होती हैं उनके लिए हम ने बैठे हुए में जो नारकोटिक्स ड्रग है उनके लिए वो कह रहे हैं लोगों की हम टेरल्स यूज करेंगे, कैबिनेट उनके लिए स्पेशल रजिस्टर बनाएंगे, नारकोटिक्स ड्रग के लिए स्पेशल रजिस्टर बनाएंगे. इसके अलावा इसके लिए एक एक्ट जो था वो पास हुआ था 1985 में. उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि जब ये प्रिस्क्रिप्शन आए नारकोटिक्स ड्रग के लिए तो
उसके अंदर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे पेशेंट का नेम होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए और मेडिसिन की क्या स्ट्रेंथ होगी और स्टोरी कंडीशन एंड डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन होना चाहिए. दैट्स ऑल फ्रॉम माय पार्ट. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. Amir Hamza. मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपको. सर यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा. ओके. वेलकम क्लास. माय नेम इज़ हमजा गिल एंड द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दो तरह का होता है, आउट पेशेंट सर्विसेज, इन पेशेंट सर्विसेज. नेक्स्ट सर, ये आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट है. इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो उनका एक पेशेंट है उसको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से मिलती है, वो फार्मासिस्ट के पास आती है. फार्मासिस्ट उसके अकॉर्डिंग फिलिंग करता है. फिलिंग में तीन चीज़ें होती हैं, सिलेक्शन, लेबलिंग एंड प्राइसिंग. फिलिंग के बाद जो उनकी मेडिसिन है वो पेशेंट को दे दी जाती है, डिस्पेंस कर दी जाती है. और पेमेंट के जो तीन मोड्स हैं, फ्री कुछ ड्रग्स होती हैं जो फ्रीली दी जाती हैं, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी में होता है. कुछ जो उनकी होती हैं वो पेशेंट ऑन द स्पॉट वो चार्ज कैश पे करता है, उसी टाइम लिया जाता है. और कुछ जो है उसके बिल में चार्ज कर दी जाती है. और इसके अलावा जो प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड है ये मेंटेन किया जाता है. अगर नारकोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल है तो नारकोटिक प्रिस्क्रिप्शन थी, उसमें कोई ऐसी ड्रग थी जो नारकोटिक्स में आती है तो वो उसमें ऐड कर दी जाती है. नेक्स्ट जो है वो इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. ये फोर टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड कम्प्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन्ड, एंड द फोर्थ वन इज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड. Next, sir. Individual prescription order. This system is mainly used in small or private hospitals because of its economic consideration and reduced manpower requirements. ये जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं उनमें ये सिस्टम आ गया रहता है, क्योंकि वहाँ पर मैन पावर की भी कमी होती है और वहाँ पर उनके पास इतना बजट भी नहीं होता है. Next, sir. Complete floor stock system. Drugs are stored at the nursing station and are administered by a nurse according to the chart or order of the physician. Only commonly used drugs are stocked on the floor. जो physician ने order दिया था उसके according nurse nursing station से जो drugs है वो patient को दे देती है इस method. ये next two types का होता है. Sir, next कर दें slide. फ्लोर स्टॉक ड्रग्स जो हैं टू टाइप्स के होते हैं, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स और चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स. नेक्स्ट, कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम. इट इज अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट यूजेस इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन ऑर्डर सिस्टम एज देयर प्राइमरी मीन्स ऑफ डिस्पेंसिंग but also utilize a limited floor stock. इस सिस्टम में क्या किया जाता है, पहले दो जो हमने पढ़े हैं वो दोनों को यूज़ किया जाता है, जिसकी जहाँ पर जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसको अकॉर्डिंग किया जाता है. कहीं पर जो है प्रिस्क्रिप्शन का यूज़ की जाती है कि डायरेक्ट वो फार्मेसी से ली जाए, और कहीं पर जब एमरजेंसी सिचुएशन होती है या कुछ ऐसी ड्रग्स जो जनरल यूज़ किया तो वो फ्लोर स्टॉक पर भी रख दिया. नेक्स्ट इज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग. Unit dose medication is defined as those medications which are ordered, packed, handled, administered, and charged in multiple of single doses units, containing predetermined amount of drugs or supply sufficient for one regular dose application or use. Next,
it has two methods of CUDD and DUDD. CUDD का मतलब है centralized unit dispensing, और इसमें जो सा है सेंट्रल फार्मेसी पर होती है मेडिकल मेडिसिन, वहाँ से जो है पेशेंट को इनपेशेंट को दी जाती है, जबकि जो डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है उसमें जो उनसे मेडिकेशन हैं वो नर्सिंग स्टेशन पर होती हैं, वहाँ से फिर आगे इन पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड, रोमेटिक ट्यूब सिस्टम, ये आप बता चुके हैं, ये उसी में ही आता है। ओके, आई एम सॉरी, ठीक है जी। डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिस ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। द मेन फार्मेसी इज फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग। जो उनसे सेटेलाइट फार्मेसीज होती हैं वहाँ पर मेन फार्मेसी से स्टोरेज के बाद मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको सेटेलाइट फार्मेसीज पर भेज दिया जाता है और वहाँ से आगे भी डिस्पेंस किया जाता है। सर, मेरा यहाँ तक ही था, नेक्स्ट निशान है जो कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? सलाम, वालेकुम सलाम जी शायान, आवाज़ आ रही है आपकी? जी सर, मेरा जो टॉपिक प्रेजेंटेशन है वो स्टोरेज एनवायरनमेंट। तो ड्रग कंट्रोल सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसके लिए इसकी क्योंकि ड्रग की जो स्पेसिफिकेशन है उनको हमने मेंटेन करना होता है, तो इसके लिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि एडिक्वेट टेम्परेचर होना चाहिए, सफिशिएंट लाइटिंग, क्लीन कंडीशंस, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए, एडिक्वेट शेल्विंग टू इंश्योर इंटेग्रिटी ऑफ द स्टोर्ड ड्रग्स होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ड्रग स्टोरेज के लिए कुछ कंसिडरेशन होती हैं, तो जो चार इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है वो है, पहली है स्टेबिलिटी कंपेटिबल स्टोरेज, मतलब जो हम कंडीशंस दे रहे हैं मतलब टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, सैनिटेशन एंड वेंटिलेशन, ये ड्रग के साथ कंपेटिबल होनी चाहिए ताकि उसकी जो पोटेंसी है वो लूज ना हो। उसके बाद आ जाता है सिक्योर स्टोरेज। सिक्योर स्टोरेज में है कि हम जो ड्रग्स हैं उनको उन तक एक्सेस जो ऑथराइज पर्सनल को देते हैं ताकि वो फिजिकली, केमिकली और फाइनेंशियली सिक्योर रहे। उसके बाद है सेफ स्टोरेज। सेफ स्टोरेज में है कि कुछ मेडिसिन हैं वो पॉइजनेबल होती हैं या फ्लेमेबल होती हैं, तो उनके लिए हम प्रॉपर कंडीशंस देते हैं, और क्योंकि हमें सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो इस स्टोरेज को कहते हैं सेफ स्टोरेज। उसके बाद आ जाते हैं सेग्रीगेट स्टोरेज। सेग्रीगेट स्टोरेज में क्या होता है कि हम जो मेडिसिन है उनको दूसरी आइटम से सेपरेट करके स्टोर करते हैं। इसके बाद है जीपीपी स्टोरेज एंड स्टॉक मैनेजमेंट। इसमें वो ये बताता है कि जो एक्सपायरी डेट देते हैं हम एक ड्रग को, उसके लिए हमने प्रॉपर कंडीशंस दी होती हैं। अगर वो प्रॉपर कंडीशंस स्टोरेज के दौरान हम दें तो वो तब एक्सपायरी डेट तक पहुंचती है, अदरवाइज वो एक्सपायरी डेट से पहले ही वो उसकी जो पोटेंसी है वो लूज हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये जीपीपी क्या चीज है? अब जो रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन है कुछ मेडिसिन को शायद ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है, ये गाइडलाइन दी जाती है गुड फार्मेसी, तो ये उस हवाले से। ठीक है सर। जी सर, आगे है रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस। तो इनमें कुछ टेम्परेचर ये बताई गई हैं, वैल्यूज बताई गई हैं कि कुछ मेडिसिन को इस टेम्परेचर पे आप स्टोर कर सकते हैं, मतलब कुछ मेडिसिन को हम फ्रीजिंग टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं वो है बिलो -5°C, और कुछ के लिए हमें फ्रीजिंग नहीं चाहिए होती, सिर्फ रेफ्रिजरेशन चाहिए होती है, तो हम उनको स्टोर करते हैं 2-8°C के दरमियान, और कुछ के लिए एयर कंडीशनिंग तो उनके लिए 25°C टेम्परेचर है, और कुछ को हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे सर, ये कुछ सिंबल्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, ये ड्रग की हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो मेडिसिन का कार्टन है उसके ऊपर ये बने होते हैं, जो पहला है दिस साइड्स आप हैंडल विद केयर, फ्रिजाइल, कीप ड्राई, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, डू नॉट ड्रॉप, मैक्सिमम 5 कार्टन, ओनली यूज द ट्रॉली। नेक्स्ट स्लाइड। अब ड्रग्स को स्टॉक करने के कुछ वेज हैं, या तो हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के जरिए
करते हैं या उनको कोड नंबर सीक्वेंस दे देते हैं या हम सॉलिड डोजेज फॉर्म को लिक्विड डोजेज फॉर्म से सेपरेट करके उनको स्टॉक करते हैं. और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी दो वेज हैं, एक है शेल्फ स्ट्रिपिंग और दूसरी है फ्लोर मार्किंग. शेल्फ स्ट्रिपिंग में क्या करते हैं कि हम स्ट्रिप लगा देते हैं, तो स्ट्रिप जो होती है वो टेप, प्लास्टिक या मेटेलिक कार्ड और वुडन शेल्फ्स की होती हैं और उनके ऊपर इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है जो कि ड्रग की नेम का नेम, स्ट्रेंथ, यूनिट साइज, मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल एंड रीऑर्डर, ये उसके ऊपर लिख दिया जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. ड्रग स्टोरेज रूम कंट्रोल स्टॉक कंट्रोल स्टॉक इन्वेंट्री बेसिकली डिपेंड करती है हमारी परचेज पे. तो ये जो हमें इन्वेंट्री, कुछ मेडिसिन के लिए एनुअल इन्वेंट्री होती है, कुछ के लिए बाई एनुअल इन्वेंट्री होती है, कुछ के लिए मंथली, कुछ के लिए वीकली और कुछ के लिए रियल टाइम इन्वेंट्री होती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब इसमें इस स्लाइड में वो बताता है कि जो हम ड्रग की जो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम स्टोरेज रूम है उसमें जो स्टॉक है हम उसको इस तरह से मेंटेन करते हैं कि जो नियरेस्ट एक्सपायरी है उसको हम पहले यूटिलाइज करवाते हैं. उसके लिए हम ये तीन प्रोसीजर मेंटेन करते हैं जिसमें FIFO, FIFO, LIFO, ताकि कोई भी एक्सपायर्ड ड्रग है वो शेल्फ पे ना रह सके. और जो FIFO है वो है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट. दूसरा है FIFO, ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसीजर. थर्ड है LIFO, ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसीजर. और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मेरा टॉपिक यहां तक ही था और जो नेक्स्ट फर्दर है वो नेक्स्ट मेंबर डिस्कस करेगा आपके साथ. थैंक यू सो मच शायन. अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम. ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ. ड्रग स्टेबिलिटी में ये है कि ड्रग अपनी फिजिकल, केमिकल, थेरापीटिकल प्रॉपर्टी को इंटैक्ट रखें अंटिल अनलेस पेशेंट यूज दैट ड्रग. और इसमें अब एक्सपायरी डेट का बताया गया कि एक्सपायरी एक्सपायरी डेट के बाद एक रिस्क डेवलप हो जाता है ड्रग की इंस्टेबिलिटी का. उसमें किसी भी किस्म की फिजिकल या केमिकल थेरेप्यूटिकल इंस्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है, उसकी एफिकेसी भी लूज हो जाती है. सर नेक्स्ट स्लाइड. एक्सपायरी डेट को हम टू वेज में एक्सप्रेस करते हैं, मंथ ईयर में या फिर डे मंथ ईयर में. अगर मंथ ईयर में एक्सप्रेस हो रहा है तो उसका मतलब है कि उस मंथ की लास्ट डेट तक वो बिल्कुल सेफ है ड्रग. और अगर डे मंथ ईयर में है, जैसे कि इधर बताया गया 15/3/2013, तो वो 15 तक सेफ है और 16 पे वो एक्सपायर होगी ड्रग. अब इसमें ये बताया गया कि अगर टेम्परेचर राइज होता है तो उससे ड्रग डिकम्पोजिशन हो जाती है. सर नेक्स्ट. सर नेक्स्ट स्लाइड. जी ये थोड़ा सा ना जरा देर से आपके पास शो होती है स्लाइड, क्योंकि शायद इंटरनेट जो है ना वो उसका कनेक्शन पुअर है. तो आपकी जब आप कहते हैं तो मैं चेंज कर देता हूँ. ओके. अच्छा, ये कुछ ड्रग्स हैं कि ओपनिंग के बाद उनकी एक्सपायरी डेट चेंज हो जाती है, जैसे कि आई ड्रॉप्स वो 1 month तक एक्सपायर होंगे ओपनिंग के बाद. और इसी तरह एंटीबायोटिक और सस्पेंशन अगर तो रेफ्रिजरेटर में है तो फिर वो 2 weeks तक ठीक है, अदरवाइज 1 week तक. नेक्स्ट. अच्छा, कौन से एंटीबायोटिक है जो कि सिरप में होती है? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी. मैंने पूछा है कौन से एंटीबायोटिक है जो सिरप में होती है, अवेलेबल है सिरप में, सिरप फॉर्म में. ये सबके लिए क्वेश्चन है, सिर्फ आपके लिए नहीं. कोई बता सकता है स्टूडेंट के वो कौन से एंटीबायोटिक है जो कि सिरप में अवेलेबल है? और आज हम
फिक्सिंग होती है सर, ये कोई और भी प्रेजेंटेशन चल रही है ना? जी कंटिन्यू रखें, आप मायरा हैं शायद। ओके ओके सर, इसी तरह एम्प्यूल्स की उसको उसी वक्त यूज करते हैं और जो वायल्स है वो 24 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। नेबुलाइजर कैन बी यूज फॉर 1 मंथ एंड इंसुलिन विद इन 28 डेज और जो सिरप्स हैं उनको हम 1 मंथ तक यूज कर सकते हैं और जो टैबलेट्स और कैप्सूल्स हैं उनकी उस लेबल पे जो एक्सपायरी डेट है उसके मुताबिक हम उसको यूज कर सकते हैं। सर नेक्स्ट, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ड्रग स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर, लाइट, ऑक्सीजन। अब जो टेम्परेचर है वो डिकम्पोजिशन कराएगा, हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन, और पीएच ड्रग स्टेबल होती है 4-8 रेंज की पीएच में, और एसिडिक और अल्कलाइन पीएच इन्फ्लुएंस करती है डिकम्पोजिशन को। मॉइस्चर से हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है और ऑक्सीडेशन भी, और इसके अलावा माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो सकती है। और कुछ ड्रग्स लाइसेंसिटिव होती हैं तो उसके लिए तरह से ऑक्सीजन जो है वो ड्रग स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करती है और ड्रग और कॉम्बिनेशन में और जो है वो कंटेनर के साथ भी। सर नेक्स्ट, इसमें ये कि हम किस तरह से मेडिसिन्स को स्टोर करते हैं और सेग्रीगेट स्टोरेज जहाँ पे बताई गई है जो कि सैटेलाइट फार्मेसी पे और साइंस के देर शुड बी सेपरेट कैबिनेट फॉर द कंट्रोल ड्रग फॉर द इंटरनल मेडिसिन एक्सटर्नल मेडिसिन। तो कुछ रेफ्रिजरेटेड आइटम्स भी होती हैं और इसके अलावा देयर शुड बी सेपरेट कबर्ड्स फॉर द आईवी फ्लूइड्स एंड डायग्नोस्टिक किट एंड फ्लेमेबल आइटम्स एंड दैट्स ऑल फॉर माय टॉपिक। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच तमाम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह कल हम टीपीएन की कैलकुलेशंस जो है ना वो सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।